चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिकुर्नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12% की कमी से 5% लाभ, 2 सही 1/2 हानि में बदल जाएगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, यानी एग्जामिनर कहता है कि भाई एक वस्तु का पहले विक्रय मूल्य था, उसे कम में खरीदा, या एक वस्तु को इतने प्रॉफिट में बेच रहा था, इतने इतनी हानि में बेच रहा है, तो उसके बीच का डिफरेंस इतना आ गया, अंतर आ गया। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। अगर ये प्रॉफिट दे रखा है और आपको ये सेकंड वाला लॉस दे रखा है, तो इन दोनों को आपको ऐड करना है। अगर सेम सेम है तो माइनस करना है। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 7 सही 1/2%। इसकी जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी आपके 12% के बराबर होगी। अब ये 12% के बराबर होगी, यानी कि यहाँ से अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा तो ये वाली वैल्यू उधर चल जाएगी, यानी 12 और ये 7 × 2 = 14, 15। यानी कि आपका ये आपका 2/2 आपका कितना इंटू में 15 मेरे पास में यहाँ वैल्यू हो जाएगी। इस 1% को अगर मैं 100% बना लूंगा तो मुझे क्रय मूल्य मिल जाएगा 100 से मल्टीप्ल। तो ये कितना, 5 × 3 = 12, 3 × 5 = 15 और 5 × 5 = 10, यानी कि 4 × 16 यानी 160 रुपये। यानी जो उसकी कीमत आएगी, वो क्रय मूल्य आएगा, वो 160 रुपये आएगा, यानी कि ऑप्शन बी। एक बार फिर देखते हैं इसे, एक बार फिर देखते हैं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो कैसे करते हैं, देखिए सिंपल सी बात है। एग्जामिनर ने मुझे क्या दे रखा है, आपका डिफरेंस दे रखा है 12 रुपये, और ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के समीशन के बराबर होगा। तो इन दोनों का समीशन कितना आया आपका, 5 और 2 = 7, तो 7 × 14 = 15/2 आपके 2% के बराबर आया। इसको सोल्व करेंगे तो 15/2 आपका कितना हो जाएगा, आपका 200। यहाँ पर इसको उल्टा कर दीजिए, 200/2 कितना, 15, तो ये आपका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12 और 5 × 4 = 20, यानी कि इसका जो क्रय मूल्य आएगा 160 रुपये आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एग्जाम में तो आपको करना इसी तरह से, बट एक बार फिर भी समझ लेते हैं कि हो सकता है क्लास में कोई ऐसा बच्चा हो जिसका बेसिक बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। तो देखिए यहाँ पर 5% गेन दे रखा था और ये कितना, 2 1/2% का लॉस दे रखा है, तो यहाँ नीचे 2 मिल रहा है। तो अगर इसको मैं 100 की जगह 200 मान लूँ, 400 मान लूँ, 600 मान लूँ, 800 मान लूँ, यानी इवन नंबर में मान लूँ, तो ये मेरे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। 100 मानूंगा तो मे भी हो सकता है पॉइंट में आए, और मे भी हो सकता है ना पॉइंट में आए। बट अगर मैं 200 मानूंगा तो कन्फर्म है कि मेरा पॉइंट में नहीं आएगा, इसलिए मैं 200 मान लेता हूँ। आप 100 मान के करेंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर गलत आएगा। तो अगर 200 रुपये की चीज़ है, वो उसे बेचेगा 5% के प्रॉफिट पे, तो इसका 5% निकालेंगे तो 10 रुपये आएगा, यानी कि वो बेचेगा इसे 210 रुपये में, तो उसे 5% का प्रॉफिट होगा। बट वो कहता है अब उसे बेच रहा है कितना, 2 1/2% के लॉस पे, तो 2 × 2 = 5, यानी कि 5/2 200, 5 × 20 = 20, यानी कि जो वो बेच रहा है वो आपका, वो बेच रहा है आपका, या फिर ऐसे कि 5 × 20, यानी कि ये 5/2 कितना आपका, 200। ये 200 रुपये कीमत थी, 5 रुपये के घाटे बेच रहा है, तो बेचे कितने, 195 बाय में आपका 200। इसलिए ले लिया मैंने, क्योंकि भाई इसको डिटेल से कट करता फिर वापस सोल्व करना पड़ता, क्या फ़ायदा, क्योंकि ये मेरा नीचे वाली वैल्यू से मिल रही है। तो इसका अगर 195 बाय 200 निकालूंगा तो मेरे पास 195 आएगा, यानी कि अब वो बेच रहा है कितने में, 195 में। तो इन दोनों का जब डिफरेंस करा तो डिफरेंस कितना आया मेरे पास, 15 रुपये का। वो एग्जाम ने कह रहा भाई 15 रुपये का नहीं, वो 12 रुपये का डिफरेंस है, तो इसको काटूंगा तो 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12 आएगा, यानी 4/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में ये 12 आ जाएगा। इसी से आप डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 200 × 4/5 आपका 5, तो 5 × 20, 4 × 16, यानी कि वो 160 रुपये में इसको बेच, 160 रुपये इसका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।